हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर आपने बताना है कि ये ईसीजी किसकी है। नर्सिंग क्विज आईक्यू टेस्ट, आपके पास 3 सेकंड देता हूं मैं, 1, 2 एंड 3। ये ईसीजी गेस करनी थी किसकी है, जिस बच्चों ने गेस कर लिया उसके लिए बिग थम्स अप। तो ये ईसीजी है हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपर कैल्सीमिया कब होती है, कंडीशन जब सीरम कैल्शियम का लेवल कितना होता है, 10.5 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा हो जाता है, तो कंडीशन बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। इसके अंदर क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया के अंदर मैंने बताया क्यूटी इंटरवल शॉर्टनिंग होती है, और एसटी सेगमेंट की क्या होती है, शॉर्टनिंग होती है। एसटी सेगमेंट की क्या होती है, शॉर्टनिंग होती है, और क्यूटी इंटरवल की क्या होती है, उसकी भी क्या होती है, शॉर्टनिंग होती है क्यूटी और एसटी सेगमेंट की। तो क्या हो रहा है, क्यूटी की और एसटी सेगमेंट की। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो एक और चीज मैंने बताया इसमें ना, एक होती है जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या होता है, एसटी सेगमेंट शुरू हो रहा है जहां से, उसको बोलते हैं जे पॉइंट। तो जे पॉइंट पे एबनॉर्मल वेव बनती है, जे पॉइंट पे क्या होती है, एबनॉर्मल वेव बनती है। तो ये एबनॉर्मल जो वेव होती है स्लरिंग, उसको क्या होती है, स्लरिंग, उसको बोलते हैं ऑस्बॉम वेव भी, ऑप्सॉम वेव भी बोलते हैं, स्कॉप्सॉम वेव भी बोलते हैं। क्या होती है, जे पॉइंट पे एबनॉर्मल वेव बनती है। तो एसटी सेगमेंट की शॉर्टनिंग हो रही है, क्यूटी इंटरवल की शॉर्टनिंग हो रही है, जे वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जे वेव क्यूटी है, ये जे वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। सारी कंडीशन किसको इंडिकेट करती है, ईसीजी के अंदर हाइपर कैल्सीमिया के अंदर, हाइपर कैल्सीमिया। तो दिस ईसीजी इज फ्रॉम विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपर कैल्सीमिया। तो यहां तक अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।